छत्तीसगढ़ सहित देश भर में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का प्रचार अभियान कल शाम 5 बजे थम जाएगा। विष्णु देव साय ने कांग्रेस पर आरक्षण को लेकर भ्रम फैलाने का लगाया आरोप। दूसरी ओर कांग्रेस नेता आलोक शर्मा ने भाजपा को कई मुद्दों पर घेरा। प्रदेश में आबकारी घोटाले के मामले में ईडी ने आरोपियों की करीब 205 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की। और रायपुर पुलिस ने आईपीएल सट्टा लगाने वाले 26 सटोरियों को किया गिरफ्तार। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार, मैं हूं थानेन्द्र साहू। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ सहित देश भर में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का प्रचार कल शाम 5 बजे थम जाएगा। तीसरे चरण के तहत राज्य की 7 लोकसभा सीटों रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, रायगढ़, कोरबा और सरगुजा में 7 मई को मतदान होगा। तीसरे चरण के लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार के आखिरी क्षण में दोनों प्रमुख राजनीतिक दल भाजपा और कांग्रेस मतदाताओं को लुभाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। आज भी विभिन्न राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक और वरिष्ठ नेता चुनावी सभाएं ले रहे हैं। तीसरे चरण में राज्य की सभी 7 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला माना जा रहा है। इस चरण में राज्य की 7 लोकसभा सीटों पर 168 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें 142 पुरुष और 26 महिला उम्मीदवार शामिल हैं। सरगुजा लोकसभा सीट पर 7 पुरुष और 3 महिला समेत 10 प्रत्याशी मैदान में हैं। वहीं रायगढ़ लोकसभा सीट पर 11 पुरुष और 2 महिला सहित 13 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। जांजगीर चांपा लोकसभा सीट पर 12 पुरुष और 6 महिला उम्मीदवार और कोरबा लोकसभा सीट पर 21 पुरुष और 6 महिला प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। बिलासपुर लोकसभा सीट की बात करें तो यहां 36 पुरुष और 1 महिला समेत 37 उम्मीदवार हैं। इसके अलावा दुर्ग लोकसभा सीट पर 22 पुरुष और 3 महिला उम्मीदवार मैदान में हैं। हाई प्रोफाइल सीट मानी जाने वाली रायपुर लोकसभा सीट में 33 पुरुष और 5 महिला सहित 38 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के लिए प्रचार अभियान चरम पर है। भाजपा और कांग्रेस सहित अन्य सभी राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक लगातार चुनावी सभाएं ले रहे हैं। इसी कड़ी में भाजपा नेता और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी तोखन साहू के पक्ष में जनसमर्थन मांगने तखतपुर विधानसभा क्षेत्र के भरनी परसदा में आम सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी ने देश को विकसित भारत बनाया, अब अगले 5 साल लोगों का सहयोग मिलेगा तो भारत और भी विकसित होगा। उन्होंने कहा कि भाजपा के घोषणा पत्र में कहा गया है कि आयुष्मान योजना के तहत देश भर के सभी 70 वर्ष से अधिक बुजुर्गों को शामिल किया जाएगा, जिससे सभी बुजुर्गों का 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज होगा। उन्होंने कहा कांग्रेस भ्रम फैला रही है कि आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। आरक्षण कभी समाप्त नहीं किया जाएगा और वहीं पीडीएस के तहत दी जाने वाली चावल योजना भी आगे जारी रहेगी। नरेंद्र मोदी जिला प्रधानमंत्री बनाना है तो बिलासपुर संसदीय क्षेत्र के जो हमारे प्रत्याशी हैं श्री तोखन साहू, आने वाला 7 तारीख, आज 3 तारीख होगी, 4, 5, 6 चार दिन के बाद में 7 तारीख आ थे, तो 7 तारीख के आप सबके बहुमूल्य वोट कमल छाप में हमारे तोखन भाई लाभ मिलना चाहिए। कांग्रेस ने केंद्र की भाजपा सरकार पर महंगाई, रोजगार, नक्सलवाद और किसानों के कर्ज के जैसे मुद्दों को लेकर निशाना साधा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आलोक शर्मा ने आज रायपुर में प्रेस वार्ता लेकर कहा कि भाजपा ने पिछले चुनाव में कौन कौन से वायदे किए थे, उनमें से कौन कौन से वायदे पूरे किए, इसे लेकर श्वेत पत्र लाए। हमारी मांग है कि भारतीय जनता पार्टी अगले चुनाव के चरण से पहले ये उत्तर दे कि कौन कौन से वायदे आपने किए थे पिछले चुनाव में और उनके कुन में से कौन कौन से वायदे आपने छत्तीसगढ़ की जनता से पूरे किए हैं, इसका हम उत्तर चाहते हैं। हम चाहते हैं कि उसके ऊपर कोई वाइट पेपर या श्वेत पत्र लेकर आना हो तो जरूर लेकर आया जाए। श्री शर्मा ने चुनाव आयोग की कार्यशैली पर भी सवाल उठाया। उन्होंने प्रथम और दूसरे चरण की वोटिंग प्रतिशत बताने में देरी क्यों हुई, इस पर भी श्वेत पत्र जारी करना चाहिए।
इतनी कंप्लेंट चली गई उस वक्तव्य के ऊपर, लगभग 17,000 चिट्ठियां इलेक्शन कमीशन को लिखी गई, ऐसा मीडिया के माध्यम से पता चला। दर्जनों कंप्लेंट हमने किए विभिन्न विषयों को लेकर, इनके नेताओं को लेकर, मंत्रियों को लेकर, देश के प्रधानमंत्री को लेकर, लेकिन इलेक्शन कमीशन किसी भी कंप्लेंट का ना तो निवारण करता है, ना ही निस्तारण करता है, ना तो उसको कंप्लेंट को मानता है कि भाई गलत कंप्लेंट है, और ना ही उस पर एक्शन लेता है। श्री शर्मा ने कहा कि यात्री ट्रेनें लगातार रद्द हो रही है, जिससे लोग परेशान हैं। वहीं भाजपा के सांसदों ने पिछले 10 सालों के दौरान संसद में कभी भी छत्तीसगढ़ के मुद्दों को नहीं उठाया। जांजगीर में सूर्यवंशी समाज के सम्मेलन में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा शामिल हुए। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मोबाइल कॉल के माध्यम से लोगों को संबोधित किया। कार्यक्रम में सूर्यवंशी समाज के वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान किया गया। मोबाइल से दिए गए अपने संबोधन में श्री साय ने कहा कि जब समाज मजबूत होता है, उससे केवल समाज को ही नहीं बल्कि पूरे देश को फायदा होता है। उन्होंने कहा कि समाज के लोग राष्ट्र को मजबूत बनाने का काम कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। वहीं अपने संबोधन में श्री शर्मा ने कहा कि संविधान में संशोधन कितनी बार हुआ है और उसे किसकी सरकार ने किया है, इसे लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम जैसे कार्यकर्ता जब तक हैं तब तक संविधान को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। श्री शर्मा ने यह भी कहा कि कांग्रेस इस बार सबसे कम सीटों पर चुनाव लड़ रही है और सरकार बनाने नहीं अस्तित्व बचाने के लिए चुनाव मैदान में है। मोदी जी के रहते, अरे मोदी जी तो बहुत बड़ा बात हो गएगा, हमर का सनातन कार्यकर्ता जब तक खड़े रही तब तक संविधान ला परिवर्तित नहीं करे जा सके, हमर तक नाना कार्यकर्ता खड़े रही तब तक ये समाज जब तक समरस ना हो जाए तब तक आरक्षण ला खत्म नहीं करे जा सके। ये बात ला स्पष्ट तौर पर हम सब ला कहना चाहते हैं, ये बात ला स्पष्ट तौर पर कहना चाहते हैं, और आपके माध्यम से, आज के कार्यक्रम के माध्यम से गांव-गांव तक, जन-जन तक ये विषय ला पहुंचाना भी चाहते हैं भैया। कार्यक्रम में पूर्व नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल सहित भाजपा के अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद थे। राज्य में लोकसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के लिए 7 मई को मतदान होना है। इस दिन रायपुर सहित 7 लोकसभा क्षेत्रों में वोट डाले जाएंगे। इन चुनावों में उम्मीदवारों को चुनने के लिए मतदाता किन मुद्दों पर वोट देना चाहते हैं, यही जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता ने। क्योंकि रायपुर में हम बात कर रहे हैं तो जरा शुरुआत आज जो मुद्दे हैं और रायपुर के मन में क्या है इसी से करते हैं। रायपुर के मन में क्या है? रायपुर के मन में कमल है, छत्तीसगढ़ के मन में कमल है। 11 कमल राम जी के लिए छत्तीसगढ़ की जनता मोदी जी को उपहार स्वरूप भेज रही है। 11 की 11 पहली बार ऐसा होगा, 11 की 11 सीट नहीं। तो वजह क्या है? वजह विकास है, विकास मोदी जी है, मोदी की गारंटी है, वजह विष्णुदेव जी की सरकार है, वजह छत्तीसगढ़ प्रदेश में पहली बार एक असली आदिवासी का मुख्यमंत्री बनना है, वजह मोदी की गारंटी है, जो गारंटी की पूरा होने की गारंटी है। मोदी की तो गारंटी है और उसकी बात हो रही है, लेकिन कांग्रेस की किसकी गारंटी है कुछ पता नहीं लगा। देखिए मेरे मित्र मोदी गारंटी की बात करें, मेरे मित्र बता दें क्या 15-15 लगा गए, क्या 2 करोड़ रोजगार मिल गए, क्या किसानों के हाथ दुगनी हो गई, क्या स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू हो गई, क्या 100 दिन में महंगाई कम हो गई, क्या 35 रुपए पेट्रोल मिल गया, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन गई। ये मोदी गारंटी के नाम पे 10 साल तक जो जनता को ठगा गया है वो देश की जनता बहुत समझ रही है। इनके एक सांसद का बयान सुन लीजिए नवनीत राणा जी का, कि भैया मोदी जी का जादू समाप्त हो गया है, कार्यकर्ता जुट जाइए, मेहनत कीजिए तब जीत जाएंगे। प्रधानमंत्री जी कहते थे 70,000 करोड़ का जिन्होंने घोटाला किया है, 3 दिन बाद उनको प्रधानमंत्री जी उनसे सरकार बनाते हैं, जिसके ऊपर नारदा सारदा स्कैम का आरोप लगता था वो असम के मुख्यमंत्री है। और जिस प्रकार से बंगाल चुनाव में अगर आप देखेंगी तो जिस शुभेंदु अधिकारी पे आरोप लगाते थे खुद प्रधानमंत्री और भाजपाई, तो वो आज उनके यहाँ नेता प्रतिपक्ष है, तो जनता कह रही है भ्रष्टाचारियों का अड्डा बन गया है बीजेपी। और एक लास्ट मैं इसको कोट करना चाहता हूँ स्पेशली कि आप मोदी जी की गारंटी का मतलब है भ्रष्टाचारियों की सुरक्षा की गारंटी। तो भ्रष्टाचारी होने का आरोप तो भूपेश बघेल पर भी लगा, उनको भी अब क्या कुछ गारंटी दी जा रही है आपकी तरफ से? देखिए भूपेश बघेल जी और कांग्रेस पार्टी अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए क्या क्या नहीं कर, छत्तीसगढ़ की जनता ने उनको विधानसभा में बता दिया। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से,
इनके आप घोषणा पत्र को देखिए, ये घोषणा पत्र कहते हैं, हम संकल्प पत्र कहते हैं, संकल्प पत्र और घोषणा पत्र में ये डिफरेंस है। अभी इनके जो बड़े नेता है राहुल गांधी जी, वो घूम घूम के भाषण दे रहे हैं कि हम आएंगे और खटाखट खटाखट खटा करके गरीबी दूर एक झटके में दूर कर देंगे। लेकिन उस पर उन्होंने सफाई भी नहीं। लेकिन मेरा सवाल तो ये है ना कि इंदिरा गांधी जी इस देश में प्रधानमंत्री थी, उन्होंने कहा था कि गरीबी हटाएंगे और उनके बाद 50 साल तक कांग्रेस पार्टी ने राज किया, गरीबी नहीं हटी और फिर से वही नारा दे रहे हैं। 2014 का जब मैनिफेस्टो आया तो उसके पेज नंबर 18 में मोदी जी ने कहा था, नंबर भी याद है आपको, पेज नंबर भी याद है मुझे, कि 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे और 100 हम लोग गाँव को निर्माण करेंगे। क्या बना? मछली, मंगल सूत्र और खासकर जिस तरह तुष्टीकरण, ये मुद्दा है या नहीं? ये मुद्दा नहीं है, जनता के लिए मुद्दा तो यही है सब, इसी पर बात। ये भ्रम वाला मुद्दा है, जनता के लिए मुद्दा आज ही बेरोजगारी है, महंगाई है, इलेक्टोरल बोर्ड का भ्रष्टाचार है, मुद्दा वही, ये भले ही उसको मुद्दा बनाने की कोशिश करे, जनता के लिए मुद्दा नहीं है। सबसे सबसे बड़ी बात ये बोल रहा हूँ, ये जवाब मुख्य मुद्दा जवाब नहीं देते, महंगाई पे जवाब देते। दुर्ग लोकसभा क्षेत्र को राज्य की प्रतिष्ठित लोकसभा सीटों में से एक माना जाता है। इस बार भी यहां भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर होने की संभावना जताई जा रही है। आइए देखते हैं इस संसदीय क्षेत्र में किस तरह के बन रहे हैं चुनावी समीकरण। लोकसभा सीट की बात करें तो इसका गठन आजादी के बाद 1952 में हुआ था। तब से इस सीट पर 17 बार आम चुनाव और 1 बार उपचुनाव हुआ है, जिसमें 10 बार कांग्रेस और 6 बार भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है। जनता पार्टी और जनता दल की एक एक बार जीत हुई है। 2019 में भाजपा के विजय बघेल यहां से सांसद बने। 2024 में भी भारतीय जनता पार्टी ने विजय बघेल को ही मैदान में उतारा है। विजय बघेल इस बार भी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में हमारे ऊपर भरोसा करके, कथनी और करनी में भरोसा करके, यहाँ की जनता ने एक भ्रष्टाचार से लिप्त और एक झूठे फरेबी सरकार को उखाड़ फेंकी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। एक बार फिर से इस चुनाव में 11 की 11 लोकसभा सीट माननीय प्रधानमंत्री के झोली में डालेंगे और उनके हाथों को मजबूत करेंगे। कांग्रेस ने इस बार राजेंद्र साहू को इस हॉट सीट से टिकट दिया है। भाजपा के विजय बघेल ने 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की प्रतिमा चंद्राकर को हराया था। पिछले परिणाम को भुलाकर इस बार राजेंद्र साहू अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं। बीजेपी सरकार की विफलता है, काले धन नहीं ला पाए, रोजगार नहीं दे पाए, किसानों की समस्याएं नहीं सुने और दुर्ग लोकसभा में भिलाई इस्पात संयंत्र का मुद्दा है, उनका ये लोग निजीकरण करने जा रहे हैं, जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। दुर्ग लोकसभा के अंतर्गत विधानसभा की 9 सीटें आती हैं। इनमें पाटन, दुर्ग ग्रामीण, दुर्ग शहर, भिलाई नगर, वैशाली नगर, अहिवारा, साजा, बेमेतरा और नवागढ़ शामिल हैं। वैसे तो कभी दुर्ग कांग्रेस का गढ़ रहा है, लेकिन कुछ वर्षों में भाजपा ने इस सीट पर अपनी धाक जमाई है। हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा ने दुर्ग की 9 में से 7 सीटों पर जीत दर्ज की थी। छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीट हैं, जिनमें से दुर्ग लोकसभा सीट भी काफी हॉट सीट माना जाता है। बीजेपी और कांग्रेस में यहां पर कड़ा मुकाबला है। बीजेपी मोदी की गारंटी के नाम पर जनता से वोट मांग रही है, तो वहीं कांग्रेस बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जनता से वोट मांग रही है। सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, दुर्ग। प्रदेश में 2000 करोड़ के आबकारी घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। इस मामले में ईडी ने पूर्व मंत्री, आईएएस अधिकारी, पूर्व आबकारी अधिकारी और बड़े कारोबारियों की करीब 205 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच कर दी है। इसका मतलब यह होगा कि आरोपी इन संपत्तियों का उपयोग कर सकेंगे और इससे उनका कारोबार भी चलता रहेगा, लेकिन वे इसे बेच नहीं सकेंगे। अटैच की गई संपत्ति में रायपुर के आलिशान होटल और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग भी शामिल हैं। ईडी की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक इन संपत्तियों में 18 चल और 161 अचल संपत्ति है। करीब 11 महीने पहले 122 करोड़ की संपत्ति ईडी ने जब्त की थी। शराब घोटाला मामले में पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा अभी ईडी की हिरासत में हैं, वहीं कारोबारी त्रिलोक सिंह ढिल्लन 8 मई तक ईओडब्ल्यू की रिमांड पर हैं। इसके अलावा कारोबारी अनवर ढेबर, अरविंद सिंह और पूर्व आबकारी अधिकारी अरुणपति त्रिपाठी भी 16 मई तक जेल में रहेंगे। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
क्या बात है, वोट लग रहा है। 3 महीने में पैसे डबल, वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है, कल तो नहीं थी यहाँ और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और RBI कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो, अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे। और फास्ट रिटर्न से बच के और फास्ट बॉलिंग से भी। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जय जोहार संगवारी हो, मैं हाँ पवीता। छत्तीसगढ़ दर्शन दिखैया हमारे जम्मू दर्शक मन के स्वागत हवे। प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत छत्तीसगढ़ी में छत्तीसगढ़ दर्शन देखते रहिए हर रविवार शाम 4:15 दूरदर्शन रायपुर पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रायपुर पुलिस ने IPL सट्टा लगाने वाले 26 सटोरियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी छत्तीसगढ़ के अलावा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से IPL क्रिकेट मैच में सट्टा लगा रहे थे। इन लोगों ने 30 से 50 लाख रुपए में सट्टा खिलाने के लिए ID ले रखी थी। इनके पास से 11 लैपटॉप, 98 मोबाइल फ़ोन, 30 पासबुक, 81 ATM कार्ड और 50 सिम कार्ड जब्त किया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह ने मीडिया को बताया कि आरोपियों के लैपटॉप और फोन से 30 करोड़ रुपए से अधिक के लेन देन की जानकारी मिली है। जो इन लोगों का हम लोगों ने जो डायरी देखी है उसके हिसाब से मिला है और लगभग 25 लाख की मसरूका, जिसमें आप देख रहे हैं कि लैपटॉप, मोबाइल और तमाम चीजें इसमें कर रहे हैं। सब कुछ आप देखेंगे, पूरा जो खेल ये लोग करते हैं सब कुछ ऑनलाइन करते हैं। मतलब वो पहले का समय गया कि जिसमें सामने पैसा रखना है, ऑपरेटर को पैसा रखवा के करवाना है, सब कुछ ऑनलाइन तरीके से और बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी का ये यूज करके करते हैं। एक ऐप बंद होता है तो दूसरा ऐप में ये और कहीं ना कहीं चालू हो जाते हैं। उसके लिए भी रायपुर पुलिस ने पहले मिनिस्ट्रीज को लिखा है, जो कंसर्न मिनिस्ट्री को, रोक लगाने के लिए। हम लोग और भी जो ID उनको पा रहे हैं, डिटेल पा रहे हैं, उसको भी हम लोग शेयर करेंगे। लगभग एक बड़ी संख्या, सैकड़ों हजारों की संख्या में अन्य डिटेल्स भी इनके प्लेयर्स के मिले हैं, लेकिन वो प्लेयर्स हैं, नॉट की जो लोग खिलाने वाले, लेकिन उसको हम लोग स्क्रीनिंग कर रहे हैं कि क्या पता उसमें से भी खिलाने वाले भी हो सकते हैं। जी, आरोपी बैंक अकाउंट को किराए में लेकर ट्रांजेक्शन करते थे। पुलिस काफी लंबे समय से आरोपियों की निगरानी कर रही थी। पुलिस ने सब्जी और दूध वाला बनकर इनकी रैकी की थी। जांजगीर चांपा लोकसभा क्षेत्र में 7 मई को मतदान होना है और इसके लिए कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी आकाश शिकारा जिले के मतदाताओं को घर घर पहुंचकर न्योता दे रहे हैं। उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए सभी सदस्य मतदान करने जरूर जाएं। न्योता पाती में जिले के मतदाताओं को अभिवादन के साथ कलेक्टर ने निवेदन किया है कि सभी मतदाता अपने मतदान केंद्र में जाकर EVM मशीन का बटन दबाकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें। जिला निर्वाचन अधिकारी ने जिले के सभी मतदाताओं से अपील की है कि बिना भय, पक्षपात और बिना प्रलोभन के वे अपने मताधिकार का प्रयोग करें। जिले में 100% मतदान कराने के लक्ष्य को लेकर जिला प्रशासन स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी निर्वाचन के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि मतदाताओं को जागरूक करने के लिए सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रम के तहत जिले में सतत अभियान चलाया जा रहा है। दूसरी ओर जांजगीर क्षेत्र के पाली गांव के ग्रामीणों ने बीते करीब 15 साल से की जा रही सड़क निर्माण की मांग पूरी नहीं होने से लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने का फैसला किया है। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि समस्या की जानकारी मंत्री से लेकर अधिकारियों तक सभी को दी गई है, लेकिन आज तक आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं मिला है। ग्रामीणों का कहना है कि बीते 15 सालों से नहर किनारे करीब 4 किलोमीटर सड़क बनाने की मांग की जा रही है। गांव के सरपंच और ग्रामीणों ने बताया कि अब तक उनकी समस्या के निराकरण की दिशा में किसी तरह की पहल नहीं की गई है। जिला प्रशासन द्वारा भी कोई सार्थक पहल नहीं किया गया। हमने तो ज्ञापन दिया, मुख्यमंत्री तक ज्ञापन दिया, पर मुख्यमंत्री जी भी कुछ नहीं कर पाए। और शायद और ज़्यादा बजट नहीं है, मात्र 2 करोड़ रुपये का है। उसके बाद भी आज तक किसी भी अधिकारी के द्वारा ये सार्थक पहल नहीं किया जाता। ये तकलीफ है, इसलिए हमें गाँव की जनता को, क्योंकि लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, तो लोकतंत्र में
अपन एक ही देखे रास्ता, अंतिम रास्ता हमारा कि वोट नहीं करेंगे, बहिष्कार करेंगे, तब शायद यह रास्ता बन जाए, ये हमारी दिल इच्छा थी। जिला मुख्यालय कितने नज़दीक होने के भी हम लोग को लाभ नहीं मिल रहा है और हम लोग विगत 25 वर्ष से ये मांग को रख रहे हैं। सभी जनप्रतिनिधि जितने भी गांव में हुए हैं सभी मांग कर रहे हैं और आने वाले जनप्रतिनिधि से भी मांग कर रहे हैं, मतलब जो चुन कर जाते हैं, लेकिन तब भी से हम लोग का मांग नहीं सुना जा रहा है और हमारा कार्य नहीं हो रहा है और बच्चे लोग परेशान होते हैं, हम लोग को शर्मसार होना पड़ता है। इसीलिए दुखी मन से ये योजना लिए हैं कि ग्रामीणजन समय सहयोग करके कि हम लोग शायद वोट नहीं देंगे तो शासन प्रशासन हम लोग का बात नहीं सुनेगा, अगर इस पर भी अमल नहीं होगा तो हम लोग जिला कार्यालय में जांजगीर में हम लोग धरना देंगे। 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं के परिणाम घोषित होने के बाद असफल विद्यार्थी तनाव से किस तरह मुक्त हो, इसी उद्देश्य से शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग ने संयुक्त रूप से महासमुंद में एक कार्यशाला आयोजित की। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत नव किरण अकादमी में हुई कार्यशाला में जिले के 186 शासकीय हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों के प्राचार्य शामिल हुए। कार्यशाला में मनोचिकित्सकों और शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि बच्चों के आचरण के अनुसार उनकी पहचान कर उन्हें तनाव से मुक्त करने में सहयोग करें। जिला शिक्षा अधिकारी मोहन राव सावंत और मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर पी कुदेशिया ने इस कार्यशाला के बारे में जानकारी दी। ये बताएं कि जो है असफल होने पर स्ट्रेस में नहीं आना है और चूंकि बोर्ड दो बार बोर्ड परीक्षा करने वाली है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जेई में कंपलसरी आने के कारण जेई में सिलेक्शन हो गया, बोर्ड में कम आया, स्ट्रेस में आ सकता है, या कोई बच्चा वो पूरी तैयारी करता है और उसको याद होने की कमजोरी के कारण उसका रिजल्ट ठीक नहीं आता, उसके कारण स्ट्रेस में आ सकता है। तो स्ट्रेस तो परीक्षा तो परीक्षा है, परीक्षा का भय तो सभी को रहता है। दूसरे दिन जैसे मेरा खुद का रिजल्ट निकल रहा था तो मैं रात को नींद नहीं आती है, तो स्वाभाविक रूप से हमें चाइल्ड साइकोलॉजी को ध्यान में रखते हुए बच्चों के भाषा में, माताओं के भाषा में, पालक के भाषा में बच्चों को समझाना है कि बच्चे असफल होने पर स्ट्रेस में नहीं आना है। जब भी कोई रिज़ल्ट आता है बोर्ड परीक्षा का या किसी भी परीक्षा का रिज़ल्ट आता है तो अक्सर छात्र जो है तनाव में आ जाता है कि वो पास नहीं हुआ, यहाँ तक कि जो छात्र ज़्यादा परसेंटेज लेके आता है वो भी तनाव में रहता है कि मैं 97% सोचा था और मेरा 95% आया। तो एक प्रकार का जो तनाव है उस तनाव में वो कहीं कोई अप्रिय घटना न कर बैठे, उसी के बचाव के लिए और प्रबंधन के लिए यह कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इस वर्ष महासमुंद जिले में करीब 24,500 विद्यार्थियों ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा दी है। बालोद जिले में बहने वाली तांदुला नदी के लिए जलकुंभी एक बड़ी समस्या बनकर उभरी है, जिसकी सफाई का बेड़ा उठाया है स्थानीय मछुआरों ने। यह मछुआरे हीरापुर एनीकट पर हर दिन नदी की सफाई में लग जाते हैं, नदी की जलकुंभियों और घास को निकालने का कार्य करते हैं। पिछले करीब माह भर से मछुआ समिति के 30 से ज्यादा सदस्य श्रमदान कर नदी को प्रदूषण मुक्त करने के काम में जुटे हुए हैं। उनके इस कार्य से जहां इन्हें मछली पालन कर खुद की आजीविका चलाने में मदद मिल रही है, वहीं अपने इस कार्य से वे क्षेत्र के ग्रामीणों को निस्तारी आदि की सुविधा भी मुहैया करा रहे हैं। खास बात यह है कि इनको इस काम के लिए किसी भी तरह की सरकारी मदद नहीं मिली है। मछलियां बेचकर जीवन यापन करने वाले इन मछुआरों ने बताया कि जल कुंभियों के कारण क्षेत्र के लोगों को तो समस्या होती ही है, साथ ही मछलियां भी इसमें नहीं पनपती और इस वजह से भी उन्हें आर्थिक रूप से नुकसान उठाना पड़ता है। बालोद के शहर में यहीं से पानी की जो जाता है उसमें सबसे उपयोग दैनिक है तांदला नदी, ये उपयोग दैनिक है और हम लोग अपने मछुआ समिति का सदस्य हैं, मछुआरा हैं हम लोग, तो इसमें हमें एक उद्देश्य है कि हमें साफ हो जाएगा तो हमारे जो मछली जो पालन करते हैं इस साल हमको पालन में पूरा नुकसानदायक हुआ है, मतलब मर गया, उससे जलकुंभी एकदम ज़्यादा से मोट हो गया था, तो इसी से हम लोग बहुत नुकसान में गए हैं। वहीं मछली पालन विभाग बालोद के सहायक संचालक एस सी गुप्ता ने भी इन मछुआरों के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि उन्हें सरकारी मदद मिल सके इसके लिए प्रयास किए जाएंगे। हमारी समिति वालों ने
जो लोगों की जनभावना है, जो नहाने धोने के लिए आते हैं, गाय पानी यानी नहीं पी पाती है, उस स्थिति को नष्ट कर रखते हुए और साथ में मछली पकड़ने के अपने कार्य को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए इन्होंने जलकुंभी को साफ सफाई करने का अभियान करीब विगत 35 दिनों से कर रहे हैं लोग सफाई सर। और सफाई करते करते सर इनके द्वारा बहुत कुछ काफ़ी हद तक सफाई कर किया जा करके सर इन्होंने द्वारा लोगों को नहाने धोने की सुविधा मुहैया कराई जा रही है, किंतु किसी प्रकार की सास की सहायता के अभाव में थोड़ा सा इनको हताशा है। हम लोग उम्मीद करेंगे और प्रयास करेंगे सर इनको बेहतर ढंग से शासन प्रशासन से पत्राचार करके और विधिवत संचालनालय को अवगत कराते हुए इनको सर सास की सहायता देने का प्रयास करेंगे सर। बालोद जिले की जीवनदायिनी कहलाने वाली तांदुला नदी की सफाई और संरक्षण के लिए पहल करने वाले ये मछुआरे सही मायने में दूसरों के लिए भी प्रेरणा देने वाले हैं। अब कुछ खबरें जिलों से। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने भिलाई में रहने वाले दक्षिण भारतीय समाज के लोगों की बैठक लेकर केंद्र में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनाने के लिए समर्थन मांगा। उन्होंने दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के भाजपा उम्मीदवार विजय बघेल के समर्थन में अपील की। इस बैठक में भिलाई में रहने वाले केरला और आंध्रा समाज के लोग शामिल हुए। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान को लेकर कोरबा में पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बल के जवानों द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया। कोरबा कलेक्टर अजीत वसंत और पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी और साथ ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने फोर्स के साथ पैदल मार्च कर लोगों से 7 मई को निर्भीक होकर निष्पक्ष मतदान की अपील की। कोरबा पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मतदान के लिए जिले की 4 विधानसभा क्षेत्रों में सुरक्षा की पुख्ता तैयारी कर ली गई है। वहीं जांजगीर चांपा जिले में भी थाना स्तर पर पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। शांतिपूर्ण मतदान करने के संदेश के साथ पुलिस ने शहर के मुख्य मार्गों का भ्रमण किया। 7 मई को होने वाले मतदान के लिए कल शाम चुनाव का प्रचार शोर थम जाएगा और सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन विशेष व्यवस्था करने में लगी हुई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। छत्तीसगढ़ सहित देशभर में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का प्रचार अभियान कल शाम 5 बजे थम जाएगा। विष्णुदेव साय ने कांग्रेस पर आरक्षण को लेकर भ्रम फैलाने का लगाया आरोप। दूसरी ओर कांग्रेस नेता आलोक शर्मा ने भाजपा को कई मुद्दों पर घेरा। प्रदेश में आबकारी घोटाले के मामले में ईडी ने आरोपियों की करीब 205 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की। और रायपुर पुलिस ने आईपीएल सट्टा लगाने वाले 26 सटोरियों को किया गिरफ्तार। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।